हेलो एवरीवन, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल LLB यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई गवाह अपनी गवाही से मुकर जाता है या फिर गवाही देने से मना कर देता है तब क्या होगा। फिर चाहे आपने कोई कंप्लेंट केस किया हो या फिर कोई स्टेट केस किया हो, दोनों ही स्टेप्स पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट केस की। स्टेट केस में क्या होता है कि जब पुलिस किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस CRPC की धारा 161 के तहत जो भी विटनेस होते हैं, जो भी गवाह होते हैं, उनकी एक फेयर लिस्ट बनाती है और उनकी गवाही को नोट करती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि ये गवाह मुकर सकता है, तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस जो गवाह होता है वो ये कहता है कि पुलिस ने मुझे टॉर्चर करके, मुझ पर दबाव बना करके ऐसा बयान दिलवाया है, मैंने स्वतंत्र होकर ऐसा बयान नहीं दिया है, दबाव में दिया है। तो पुलिस क्या करती है कि अपने आप को बचाते हुए वो CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ पर बयान दर्ज करा देती है, ठीक है। जबकि ये गवाही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन ये फाइनल गवाही नहीं मानी जाती, चाहे 161 की हो फिर चाहे 164 की हो। अब क्या है, जब क्या है कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से एविडेंस प्रस्तुत होते हैं, गवाही प्रस्तुत होती है, और जब गवाह उसमें जाता है कोर्ट में और अपनी गवाही देता है, और तब वो अगर अपनी गवाही से मुकर जाता है तो मुकरा हुआ गवाह कहलाता है। उस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से जो लॉयर है वो उसे जिरह करता है और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है। अगर वो तब भी नहीं है उस मामले में, अगर मान लीजिए कि तब भी वो अपनी गवाही पर नहीं आता है, तो उस मामले में उसे मुकरा हुआ गवाह कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि अगर कोई गवाह कोर्ट में झूठ बोलता है, अपनी गवाही में झूठ बोलता है, और अगर ये बात क्लियर हो जाती है, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हो या फिर गवाही देने के दौरान हो, मतलब उसने गवाही कुछ और दी, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो अपनी बातों से वो पलटने लगा, तो अगर अदालत को लगता है कि अपनी गवाही से मुकर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है या फिर किसी भी तरह से ये बात साबित हो जाती है कि विटनेस झूठा है, तो उस पर अदालत चाहे तो उसे अधिकार है 340 के तहत, CRPC 340 के तहत उस पर राइट है कि वो उसके अंगेंस्ट मुकदमा दर्ज करा सकती है IPC की धारा 193 के तहत, जिसमें उसे 7 वर्ष तक का कारावास की सज़ा हो सकती है। दूसरी बात, अगर स्टेट केस में अगर कोई गवाह गवाही देने से मना कर दे, पहले तो गवाह बन गया, अगर शुरुआत से ही नहीं बन रहा है तो बात अलग है। अगर एक बार वो गवाह बन गया और उसके बाद उसने कोर्ट में जाने से मना कर दिया, ठीक है, तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस मामले में जब अभियोजन पक्ष की तरफ से जब कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत होगा, तो उससे पहले कोर्ट क्या करेगा, समन भेजेगा, विटनेस को बुलाएगा, आइए और अपनी गवाही दीजिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं जाते हैं समन रिसीव करने के बावजूद, और नहीं रिसीव करते हैं तो दोबारा से भेजेगा, ठीक है। और आप रिसीव करने के बाद नहीं जाते हैं तो कोर्ट वारंट जारी कर सकता है आपके अगेंस्ट, उस केस में पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है और तब आपकी गवाही दिलवाएगी। अगर आप तब भी मुकरते हैं तो वही प्रोसीजर है सेम, कोर्ट वकील आपसे जिरह करेगा। अगर आप कोर्ट में झूठ बोलते हैं और ये बात साबित हो जाती है, तो आप कोर्ट को राइट है 340 के तहत CRPC, आपको जो है आप पे केस किया जा सकता है, जो कि IPC की धारा 190 के तहत दर्ज होता है, जिससे आप में 7 वर्ष तक की आपको सजा हो सकती है। ये प्रोसीजर। दूसरा, अगर कोई कंप्लेंट केस है, कंप्लेंट केस तो आप समझते हैं ना, जो थाने ना जा करके कोर्ट से सीधा केस होता है किसी वकील की मदद से, सारा मैटर आप ही लिखते हैं, किसको आप गवाह बना रहे हैं, किसको आप विटनेस बना रहे हैं, जैसे कि आपने किसी को दो लोगों को उसमें दो तीन लोगों के उसमें नाम खोल दिया एज ए विटनेस, और लोगों को भी लिख दिया कि और भी लोग थे, ठीक है, आधे लोग आपने लगा दिया। तो इस मामले में क्या है कि अगर मान लीजिए कि जब आपने दावा दायर किया तब वो विटनेस आपसे राजी थे कि गवाही देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अगर मना कर दिया आपसे कि भाई हम नहीं देंगे, हम किसी के बुरा नहीं बनना नहीं चाहते और हमारी रंजिश हो जाएगी, कोई भी रीज़न, तो उस मामले में क्या है, क्योंकि जब आप स्टेट केस जब आप कंप्लेंट केस कर रहे होते हैं तो उसमें आप ही को ही कोर्ट में सब कुछ साबित करना होता है, एक्यूज्ड पर जो भी एक्यूज्ड ने जो भी अपराध किया है वो आपको साबित करना है। अगर वो गवाह मुकर रहे हैं तो आप जो भी उस मौके पर था घटना के समय, उन लोगों को भी आप एज ए विटनेस बना सकते हैं, बाद में भी आप जो है गवाहों के नाम बदलवा करके गवाहों की गवाही दिलवा सकते हैं। तो कंप्लेंट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंप्लेंट केस में कब प्रॉब्लम आती है कि जब कोई घटना घटी और आपने दो ही लोगों को विटनेस बताया, बाकी को लोगों को बताया ही नहीं, जैसे कि जंगल में किसी को जान से मारने की कोशिश हुई, अचानक दो लोग आ गए, उन लोगों को आपने बचा लिया और आरोपी लोग भाग गए,
तो यहाँ पर सिर्फ आपने दो लोगों को बताया, अगर ये भी दो आप अब आपने क्या किया, थाने जा रहे हो, मान ले थाने में आपकी रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही, आप गए सीधा कोर्ट में, कोर्ट से केस कर दिया, दो लोगों के नाम ओपन कर दिए कि इन दो लोगों ने आपने बचाया। अब दो लोगों ने क्या किया, अपनी वो गवाही से मुकर गए, भाई हम किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, तो उस मामले में गवाही गवाह मुकर गए, तो अब कोई और है भी नहीं, ना ही आपने उस दावे में ओपन किया है कि जब आपको बचाया गया या आप जब आपके साथ अपराध हो रहा था तो और भी लोग मौजूद थे, आपने तो सिर्फ दो ही लोगों का नाम लिया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस तरह का केस है तो आपका केस डूब जाएगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसी घटना दिखाते हैं जिसमें ये होता है कि हाँ घटना के समय बहुत सारे लोग आ गए थे, जिसमें इन लोगों ने, इसमें ये लोग भी थे, ये भी थे, ये भी थे, और गांव के बहुत सारे लोग थे, या फिर वहाँ पर ये भी लोग थे, उनके नाम ओपन कर दीजिए, गांव के लोग थे या फिर कहाँ के लोग थे, या फिर दो चार लोगों के आपने 8-10 लोगों के नाम भी ओपन कर दिए हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कि दो गवाहों को आप प्रस्तुत कर देते हैं और वो गवाह अगर भिदक भी जाते हैं, भड़क भी जाते हैं, तो बाकी के आप और लोगों को भी आप एज ए विटनेस आप बना सकते हैं कंप्लेंट केस में। तो इस तरह से आप केस को, कंप्लेंट केस को लड़ सकते हैं। बात आती है कि फ़र्क क्या पड़ता है, तो विटनेस पर जो भी है, जब फ़र्क पड़ता है, जब वो झूठी गवाही देता है, तो उसे 7 वर्ष की सज़ा का प्रोविज़न है CRPC की धारा 340 के तहत। ये प्रोसीजर है कि कोर्ट IPC की धारा 193 के तहत उस पर केस दर्ज करा सकता है जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा है, ठीक है। केस पर क्या कंडीशन है, अगर गवाह मुकर जाता है तो उसमें जो भी एक्यूज होता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है, ठीक है। कंप्लेंट केस में क्या है, कंप्लेंट केस में अगर गवाह मुकर रहा है तो एक्यूज्ड बरी हो गया, छूट गया। अगर कंप्लेंट केस में गवाह मुकर रहा है लेकिन आपने और लोगों के भी नाम दिए हैं तो उनकी आप गवाही करा दीजिए, तो केस आपका चलता रहेगा। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ज़्यादा गवाहों को बनाते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।